भाई बिग बॉस के घर में लाइव स्ट्रीम में दिखाई दे रहा है कि कैप्टेंसी टास्क खत्म हो गया है, लेकिन इस टास्क के दौरान एक बार फिर से बड़ी जोरदार भड़की है राहुल वैद्य और रुबीना दिलैक के बीच में लड़ाई। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मेरा यूजर नेम है RJ_IG। तो भाई कैप्टेंसी टास्क बलून वाला टास्क है, एक टाइम पे एक ही व्यक्ति बलून में खड़ा रहता है, ये तो आपने देखा ही है, इसके बारे में मैंने भी आपको बताया है। आपको बता दूं कि इस टास्क में राहुल वैद्य को अपनी कप्तानी की रेस में बने रहने के लिए एक मौका ऐसा आया था कि उनको सोनाली फोगट से रिक्वेस्ट करनी थी कि वो जो है उनका सामान छोड़ दें, जो भी बैग या थैली वो लिए हुई थी, तो उसकी रिक्वेस्ट करने के लिए राहुल वैद्य जाते हैं और थोड़ा सा झुक कर, जैसे लड़कियों के सामने लड़के झुक जाते हैं कई बार ऐसे प्रपोज करते वक्त या रिक्वेस्ट करते वक्त, तो वो ऐसे ही झुक कर रिक्वेस्ट करते हैं। और उसी वक्त रुबीना दिलैक एक कमेंट करती हैं कि देशवासियों कि आप बताइए कि आपको ऐसा कप्तान चाहिए जो सक्षम महिलाओं के आगे ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। सो इसके बाद राहुल वैद्य जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये कहां से बातें आ गई, ये सक्षम महिलाओं वाला एंगल कहां से आ गया, आप फिर से कौन से एंगल पर ले गई हैं इन बातों को, यहां सक्षम महिलाओं वाली बात करने की क्या तुक बनती थी, आपने ये बात क्यों की। इसके अलावा राहुल वैद्य ने ये भी कहा, और देशवासियों क्या होता है, आप बाहर किसको एड्रेस कर रही हैं, आप घर के अंदर है, घर वालों को बोले तो समझ में आता है, देशवासियों क्या होता है, ये आप इस मुद्दे को बाहर क्यों ले जा रही हैं। इस बात पर राहुल वैद्य जो है भड़कते हुए नजर आए और ये लड़ाई बढ़ गई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लाइव स्ट्रीम में काफी सारी कॉन्वर्सेशन म्यूट कर दी जाती है जिनकी आवाज आपको सुनाई नहीं देती है, तो समझ में नहीं आता है कि पूरी लड़ाई किस दिशा में जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़ाई एपिसोड में रखनी चाहिए और विदाउट एडिट रखनी चाहिए, जो जैसा बोल रहा है बिल्कुल वैसा दिखाना चाहिए, तो थोड़ा डिकोडिंग में मजा आएगा, आपको भी देखने में मजा आएगा, समझने में मजा आएगा। देखते हैं ये एपिसोड में कितना दिखाया जाएगा और कौन सही कौन गलत नजर आएगा। आपको क्या लगता है, आप अभी से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।